नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी क्रिकेट टीम की तरफ से मेरा नाम अब्दुल लतीफ, आंध्र प्रदेश से हूँ। दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको इस प्लेट के द्वारा हमने सैटेलाइट्स को कैसा पकड़ा है और इसको जो बर्तन आम जो बगुने और जो बड़े पतीली वगैरह आते हैं उसकी ये प्लेट है दोस्तों। ये आप अच्छी तरीके से देख लें। इसी में हमको एक बड़ी प्लेट मिल चुकी थी जो 3 फीट की है। उसको हमने क्या किया, इसको हमने ये सोप फोल्ड करके, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वो, हमने इसको सोप फोल्ड करके बताया था, हमने ये साफ़ करके हमने इससे बड़ी है वो, उसको हमने सैटेलाइट्स के डिश के रूप में हमने तैयार कर लिया है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं। ये देखिए इस वाली इस तरीके की प्लेट है वो। अभी देखते हैं हम वो किस तरीके से हमने काम किया है और क्या क्या लगाए हैं आपको बताएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये जो वाला है बिग टीवी का है, ये फिटअप है, ये वाला हमने पेंट किया है इसको। यहाँ पे कलर भी देख सकते हैं। ये क्लैंप इसलिए लगाए हैं दोस्तों, ये ऊपर में नहीं उठ रहा था एडजस्टमेंट के लिए, हमने जो पिछले उल्टी डिश पे लगाए थे वही क्लैंप इसमें यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं ये वाले इस तरीके से। इसका जो अजमत का पाइप है वो भी हमने उसी प्रकार का बिग टीवी का ही इस्तेमाल किया है, बगैर पेंट का भी आप देख चुके हैं अभी। ये इसको हमने पेंट कर दिया है हमने, ये वाला देखें इस तरीके से हमने इसको साफ करके बड़ी यानी कि 3 फीट की डिश तैयार कर ली है। आप अच्छी तरीके से देखें इसको, सिग्नल्स भी बताएंगे हम, बहुत काफ़ी बड़ी है। आप इधर से भी देख लें, बिग टीवी का ये वाला बिग टीवी का फिटअप है। ये हमने पेंट किया है इसलिए कलर चेंज हो गया, आप देख लें अच्छी तरीके से। ये वाला कलर भी दिख रहा होगा आपको। ये हमने इसको क्या किया, एडजस्टमेंट के लिए कर रहा था, यानी कि दूसरे सैटेलाइट्स के लिए दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने वही उल्टी डिश के जो क्लैंप होते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, वही क्लैंप हमने इसको यूज़ कर दिया है। अभी देखते हैं ये डिश का रूप कैसे बना है। देखिए ये वाला, ये देखिए इस तरीके से है। ये सोप साफ करके हमने यहाँ से जो अभी बताया था, हमने सोप साफ करके इसको डिश के रूप में ले लिया। जो 3 फीट या 4 फीट की डिश जो कंपनी बनाती है उसी तरीके से हमने इसको बना लिया। आप देखें दूर से भी, ये देखिए इस तरीके से बना लिया हमने। यहाँ पे ये लंबी लगा के ये जो है, ये डिश टीवी का बेंड पाइप हमने अभी बताया था, उसको एडजस्टमेंट के लिए बनाया और इस प्रकार के जो सपोर्ट डाल के हमने इसको बना लिया। ये गुजरी से उठा के लाया था दोस्तों मैंने। ये देखिए ये जो बड़ी प्लेट है, ये यहाँ से पूरा बेंड करके काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसको पेंट करके हमने इसको डिश के रूप में जो फोल्ड करके इसको डिप ला के उसको पूरा हमने 3 फीट की डिश बना लिया बड़ी। ये केवी बैंड पे भी काम करेगी और सी बैंड पे भी काम करेगी। ये देखिए दूर से भी दिखा देंगे हम, इस तरीके का सपोर्ट डाल के हमने बना लिया। अभी देखते हैं कि इसमें सिग्नल कौन से आ रहे हैं, अभी हम बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला मीटर है हमारा, यहाँ पे लटक रहा है, आप देखें अच्छी तरीके से इसको लटका के रखा हमने, ये खितार है। ये देखिए अभी हम देखते हैं इसमें सिग्नल कितने आते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, रात में बारिश हो रही है दोस्तों, इसलिए हमने शूट नहीं किया, दिन में कर रहे हैं। आप देखिए अभी मैं अकेला हूँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप देख लें। ये देखें इसकी टीपी भी दिखा देंगे हम, ये देखिए डीडी फ्री डिश की टीपी है ये वाले। आप देख लें इसका सिग्नल भी कितना बढ़िया आ रहा है। देखिए दोस्तों डीडी फ्री डिश की टीपी है ये वाले। उसके बाद में इसमें दो सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं दोस्तों, एक और सैटेलाइट भी है, आप देखते रहें। यहाँ पे देखें उसके नीचे 95 डिश टीवी है, उसके नीचे सन डायरेक्ट है। ये देखिए डिश टीवी का तो हमने नहीं लगाया, ये सिग्नल चला जाएगा। ये देखिए 91, इसका भी है, आपको टीपी देख लें बताएंगे हम। ये देखिए
ये आके सेंडरेट का है, सेंडरेट की टीपी। दो सैटेलाइट्स इसमें अभी काम कर रहे हैं, एक ही है लंबी पे, आप देख लें तार, सिर्फ छोटा तार हमने लगाया है, ये वाला, ये लंबी का, आप अच्छी तरीके से देखें इस तरीके से। अब हम इसको सी बैंड पे भी ट्रैक करेंगे, सी बैंड पे भी ट्रैक करके बताएंगे आपको। इस तरीके से हमने ये प्लेट वाली, जो आम बगुने या बड़े बड़े देगची वगैरह होते हैं वहाँ से हमको ये प्लेट मिली थी, हमने इसको डिश की रूप में फिट कर लिया है। ये देखिए इसको पेंट कर दिया है दोस्तों हमने, अभी देखेंगे आप हमारी वीडियो में, जिस पेंट विदाउट पेंट का भी बताया हमने, अभी इसको हमने पेंट कर लिया। पेंट कर लेके उसको बराबर हिसाब करके हमने इसको डिश के रूप में ले लिया है। ये देखिए इस तरीके का सेटअप है, आप सिग्नल भी देख लिया होगा, अभी देख लें ये सिग्नल भी देख लें आप अच्छी तरीके से, ये वाला 91 का। अभी हम डीडी फ्री डिश दिखाएंगे, ये देखिए ये डीडी फ्री डिश का, ये वाला देख लें आप अच्छी तरीके से, और चैनल भी कुछ बता देंगे आपको। ये देखिए काफी अच्छे चैनल चल रहे हैं बिफोर यू म्यूजिक, देखिए ये देखिए बस ये वाले इस प्रकार का देख लें आप। ये न्यूज है, काफी अच्छे बढ़ा सिग्नल आ रहा है इसमें, ये देखिए करीब से भी बता देंगे। इस प्रकार का सेटअप, सेटिंग करने के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से V8 सैटेलाइट फाउंडर जितना जल्दी चाहिए आप खरीद लें फ्री सेट। ये देखिए V8 फाउंडर GT मीडिया का है, ये काफी बढ़िया है दोस्तों, ये वाला आपको आराम से इसको खरीद सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से सिग्नल आएगा इसको, अभी आपने ये देखा होगा कि वहां पे टेस्टिंग के लिए मैंने प्लेट रखी हुई है, हिल रही है हवे को, आप देख सकते हैं इस प्रकार का सेटअप हमने बना लिया है। वो जो प्लेट दिख रही है वहाँ पे, वो प्लेट से हमने बड़ी प्लेट यानी 3 फीट की प्लेट मिल गई थी हमको, उस प्लेट से हमने ये डिश का रूप हमने बना लिया है। आप एक मरतबा और दूर से भी बता देंगे आपको, देख लें ये देखिए दोस्तों ये वाली, हमको कोई बताया नहीं है दोस्तों, बगैर मैं खुद ही हिसाब करके, ये देखिए उसका जो धुंधलापन आ रहा है दिख रहा है, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मैंने उसको मार मार के सीधा करके उसको मैं डिश का रूप ले लिया। 3 फीट की डिश है, जो कंपनी कैसी बनाती है उसी प्रकार का हमने उसको बना लिया, देख सकते हैं ये देखिए, ये KU बैंड में भी काम करेगी और सी बैंड में भी काम करेगी, आप अच्छी तरीके से देखें पीछे से भी, बहुत मजबूत है दोस्तों ये इस प्रकार की बनाना। दोस्तों इसमें इस वीडियो में कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया मेजरमेंट के हिसाब से, आप मेरे को पूछ के कमेंट कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के नए नए फार्मूले आपको इसी यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ये नया और एक सेटअप है दोस्तों, ये इसको उल्टी डिश में भी लगा सकते हैं दोस्तों, मैंने ट्राई किया
काफी अच्छे बड़े सिग्नल आ रहे हैं। उल्टी डिश जो इससे पहले बताया था मैंने, उसी प्रकार के इस पे भी, उल्टी डिश पे भी बहुत बढ़िया सिग्नल, और सारे सैटेलाइट्स इसमें ट्रैक कर सकते हैं। वही क्लैंप लगाया है मैंने, क्योंकि ये बिग टीवी का जो क्लैंप है यहाँ पे, ये वाला सेट ऊपर नहीं रहा था, डिश काफी बड़ी रहने की वजह से मैंने वही क्लैंप मैंने इसको यूज किया है। आप अच्छी तरीके से देख लें, एक बार वही क्लैंप यूज किया है मैंने। कहाँ फिट करना है और कैसे लगाना है आप देख लें अच्छी तरीके से, कैसा कैसा लगाया हूँ मैंने, करीब से भी बता दूंगा आपको। इस प्रकार का लगाइए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।